अनाउंसमेंट है कि एंगेजमेंट की ये कुरा होला तला यस्तो खुसी हुनु भन्नुहोस्। सो के आयुष सिंह ठाकुर एनालाई जमालीको इन्गेजमेन्ट हुन लाग्यो त? उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्गेजमेन्ट रिगार्डिङ थुप्रै कुराहरू गर्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ इन्गेजमेन्ट डेट र म्यारेजको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्न छैन तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ छैन लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो च्यानलमा चाहिँ युट्युब एन्ड सोसियल प्लेटफर्म रिगार्डिङ डेली न्युज एन्ड अपडेट्स आउँछ। कल कल आज मतलब तबियत भी ठीक नहीं है तो कल ही मतलब सब अनाउंस करते आज सब। देखो लोग भी आज सैड सैड लग रहे हैं पता नहीं क्यों। छोड़ो नहीं बताते छोड़ो। तुम ही बताओगी जब बताओगी। क्यों तो क्या तुम नहीं बता सकते? मुझे शर्म आती है आप बताओ बताओ। तो गाइस बात क्या है कि बोलो जो ये सितंबर सितंबर आज कितना वास सितंबर आज 16 नहीं नहीं 21 आज 21 तो गाइस आज सितंबर 21 है और अब मतलब सितंबर खत्म होने में भी ज्यादा दिन नहीं है। सो सितंबर खत्म होने से पहले यानी कि 21 से लेके कितना है सितंबर में अभी 31 30 हाँ मेरे बर्थडे यस मतलब लेके मेरे बर्थडे तक 30 यस 30 तक उसके बीच में कुछ होने वाला है। होने वाला है मतलब आप लोग को बताने वाले क्या बोलते उसको क्या है? मतलब क्या करने वाले पता नहीं आप बोलो आपको पता है मुझे नहीं पता आप बोलो। So, बात क्या है कि हमारी ये सितंबर के मंथ में अनाउंसमेंट है कि एंगेजमेंट की हंस के रहे तो मजाक नहीं कर रहा हूँ मतलब फिर मैं हंस के बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है मजाक कर रहा हूँ मतलब इंगेजमेंट पता नहीं मतलब किस टाइम में होगी किस डेट में होगी मतलब रिवील पर गाइस वी आर गोइंग टू रिवील आवर एंगेजमेंट टू यू ऑल राइट इंगेजमेंट करने वाले यस सो स्टे ट्यून थोड़ा मतलब मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन ऐसे ऑफलाइन कुछ कभी मतलब लाइव वाइव ऐसे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है कभी कभार कभी कभार की मतलब बस एक दिन ज्यादा से ज्यादा। अभी हमने डेट और डे फिक्स नहीं किया है कि कब आप लोगों को वो करेंगे है ना पर बस वीडियोज वीडियोज कुछ नहीं रहेगी इधर इट विल बी लाइक अ ग्लिम्प्स हाँ एक पोस्ट आएगी करके क्योंकि आप वो नकाब नहीं कर रही है उसमें हाँ तो बस आप लोग को पिक्चर जितना हो सके हम शेयर करेंगे ठीक है पिक्चर्स और फोटोज कुछ वीडियोस होगी तो हाँ नहीं तो और दिस सितंबर माय बर्थडे मंथ यस कर रहे एंड जस्ट स्टे ट्यून सब जगह इंस्टाग्राम में मेन टिकटॉक से ज्यादा क्या पता कल भी हो सकती है क्या पता परसों yes. पर यही मंथ आप सबको पता चलेगी engaged we are engaged अमन यार प्रैंक कसम से यार कसम से अरे वो वाला बोल रहे यार क्या मतलब प्रैंक बोल रहे नो इतना बड़ा प्रैंक क्यों करेंगे यार अरे ऐसी चीज में क्यों प्रैंक करेंगे गाइस कसम से नहीं प्रैंक कोई प्रैंक नहीं है ना कोई के है ना समाज से करा है ना यार कसम नहीं कोई प्रैंक नहीं है कोई प्रैंक नहीं है गाइस इतना इतना फजूल प्रैंक नहीं करेंगे आप लोगों के साथ कभी भी
We need live engagement. Rela. कैसे live engagement करेंगे मतलब? ओ हम अपनी rings exchange rings पहना देंगे एक दूसरे को. वो engagement वाली. सही है. उसके लिए अब मैं जब हम दुबई जाएंगे तो तब होंगी. अभी तो नहीं होगी. बस जब अब मैं दुबई जाऊंगा जैसे कुछ दो चार दिन में तो उसके बाद आप लोग को पता चली सब. ब्लॉगर ब्लॉग भी कहाँ से बनाएंगे यार. कैसे बात करते हैं मतलब कैमरा पकड़ के चलते रहे. मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब वो इतना वो पब्लिकली नहीं कर सकती क्योंकि वो नकाब नहीं कर रही है. Yes. अगर नकाब जब करती तो उसमें हो सकती थी. ठीक है आप फेस तो दिखाने नहीं है बस एंगेजमेंट बोल रहे तो जितना आप लोग को शेयर कर सकते हैं जितना मतलब सब कुछ जो भी हुआ करेंगे ट्राई करेंगे. आप लोग टेंशन मत लीजिए. ओके डन डन एवरीबॉडी. दुए में होगा रे. यस यस इट्स अ बिग डे रे. वही तो मतलब कब कब होगी आप लोग को पता चल जाएगी डेट. बस मंथ सितंबर फाइनल खत्म. दिस सितंबर ये बस अब 10 days 9 days बाकी. अब 9-10 days के अंदर जो जो हमारे शुभ चिंतक है शुभ चाहते आप लोग स्टे ट्यून. और आपके लिए जो जितना हो सके अब इतने ज्यादा लोग प्यार करने वाले इतने ज्यादा लोग सपोर्ट करने वाले उनको तो अभी तो नहीं कर सकते बाद में शादी में दिखते ठीक है क्योंकि अभी तो इंगेजमेंट है. और इंगेजमेंट में जितने हो सके आप लोग को हम शेयर करेंगे हमारी मेमोरीज एंड ऑल सब कुछ जो जो थी जो जो है उसमें. सही है. आप लोग टेंशन मत लीजिएगा. कुछ मतलब ऐसे नहीं देखने को मिला है वो पता चल जाएगी कब क्या है. मैंने तो मंथ बोल दिया हूँ अब से तेल वाला वल्ला 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 हो गई डन. Yes. मतलब लाइव आएंगे हम टेंशन मत लीजिएगा. लाइव तो आएंगे साथ ही आएंगे जब मतलब हम तो उधर में तो दुबई में रहूंगा ना तब तो. Yes. तो क्या बताएंगे इसकी ड्रेस में आ जाए. अरे हाँ. आप लोगों के लिए मतलब लाइव में एंगेजमेंट करेंगे मतलब घर में. No problem. ऑफिशियली जो होती है उसको तो मतलब हम उसमें ही करना चाहिए उसमें ही करेंगे वो सब उसमें रहेगी उस बातें तो. बस पिक्चर वीडियो तो आप लोग को मिल जाएगी सोशल मीडिया में. Yes. अब ऐसे बातों में मतलब ब्लॉग ब्लॉग करके ऐसे तो चल तो नहीं सकते. इन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा है पता है बहुत सारे लोगों को. I am damn sure. मतलब वो कर रहे लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा है. शादी की प्लेस रे. शादी तो हर जगह होगी ना. हाँ नेपाल में भी होगी दुबई में भी पाकिस्तान में भी तीन जगह. तीन जगह होगी शादी तो उसमें तो कोई मसला नहीं. नेपाल वाले नेपाल में होंगे और पाकिस्तान नेपाल. Did he propose you formally? Yes, he did. हाँ तो यार बिना प्रपोज करे क्या बिना ये करके वो करके क्या आप एंगेजमेंट करने वाला होंगे. ऐसे वाला फिर एंगेजमेंट मतलब रिंग पहना दिया एक दूसरे को खत्म हो गया एंगेजमेंट ना प्रपोज ना कुछ. क्योंकि देखिए आप वो वीडियो एंड ऑल ब्लॉग एंड ऑल ऐसे तो नहीं कर सकते ना. थोड़ी मतलब अपनी भी कुछ होती है प्राइवेसी ठीक है. अब मतलब वो नकाब और हिजाब नहीं कर रही है तो आप लोग भी खुद समझते होंगे ठीक है. तो नकाब हिजाब का मतलब ये नहीं कि जब मतलब फेम मिल गई पॉपुलरिटी मिल गई तो सबको और शक्ल दिखा के ये वो करे ये वो ठीक है. तो बस अपनी उसने अपनी धर्म से किया है अपने दिल से किया है तो वो बात तो उसमें कभी आएगी नहीं कि शक्ल दिखाते हैं आप लोग बोल रहे तो इससे ठीक है. सो इसीलिए ये बात है कि शक्ल ना दिखाने के लिए मतलब वो वीडियोज एंड ब्लॉग एंड ऑल ऐसे ऐसे कुछ भी. तो आप लोग को जितने भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं जितने भी आप लोग को मतलब जितने भी मतलब हमारे जो पिक्चर्स वीडियोज जितने भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम टिकटॉक में करेंगे
ठीक है, इंस्टाग्राम में करेंगे। यस ओके, सही है ना? यप सही है गाइस। अगर आप लोग कहोगे तो हम एंगेजमेंट ड्रेस पहन के लाइव आ जाएंगे आप लोगों के लिए। वही दिन मतलब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग के लिए बस लाइव में आके भी हम लाइव आ सकते हैं एंगेजमेंट ड्रेस में, वो नखा भेजा कर सकते हैं। यस हम लाइव आएंगे वही ड्रेस में, सही है? डन डन करेंगे, ठीक है ना? ये कर सकते हैं आप लोगों के लिए, क्यों नहीं। जो भेजनी है, मेरी जूते की साइज 42 है, मेरी कमर 32 है और मेरी रिंग की साइज है, मेरी गला 32 है और क्या क्या यार। अरे हाँ, गिफ्ट में ले चाहिए, कम ऑन। मुझे कपड़े मतलब ट्राउजर कौन सी होते है, लार्ज होती है, टी शर्ट लार्ज एक्सएल दोनों होती है। yes. बस इतनी है बात। बर्थडे भी आ रही है उसके ऊपर, और ओह माय गॉड सितंबर तो। और आयुष वो मत भूलना, हम जब शुरू शुरू में आते थे, जब हम ऐसी शादी की बात करते तो हमें किसी ने कहा था 10 लाख देंगे हमें। हाँ वो कौन थे यार, उनको तो पकड़ के लाना पड़ेगा अब। हाँ तो मतलब रही है। उन्होंने कहा था आप शादी करोगे हम 10 लाख देंगे। ये लड़की को अभी तक वो याद है? मुझे तो याद है बस, वो तो मतलब वो तो एक मतलब भैया ने बोली थी, पर ऐसे ऐसे बोले तो कितने कितने, अगर सब लोग देंगे तो मेरी तो मतलब 2-3 करोड़ तो बैंक बैलेंस हो जाएगी यार। हाँ ना। वो 10 लाख वाले बंदे को पकड़ के लाओ। अभी तो स्क्रीनशॉट करना चाहिए था यार। ओके गाइस, वही थी बात यार। अब बस 9 दिन आप लोग रस्म वसम करो, क्या क्या करनी है वो डेकोरेट करो अपनी जगह। तो लोग क्यों करेंगे? अरे नहीं यार, अब हम तो मतलब उधर तो नहीं हो पाएंगे ना, तो वो मजे ले सके लाइव में बैठ के, क्या वो लोग के सामने हो रही है। आ, तो नहीं तो कहीं वो फोन रखने की जगह ढूंढे आप लोग, तो उस जगह को डेकोरेट करिए पूरी, बलून बलून लगा के पूरी मतलब स्टेज जैसी, और दिखिए जिस दिन मतलब एंगेजमेंट करके लाइव में आएंगे घर से। तो कसम प्रैंक है ना यार, कस्तो मैं कसरी क्यों भन्ने यार, बिलीव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक तो देखो मैंने क्या बोला था, बोलने से सबको ये प्रैंक मजाक ही लगेगी। हां वही तो, ड्रेस दिखा दो गाइस। आप लोगों को ड्रेस दिखा दूं मैं अपना? नहीं 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 नहीं, छोड़ो इन वो फोटोज में देख लेंगे गाइस। सच में प्रैंक नहीं है यार, तुम एंगेजमेंट रिंग दिखा दो जो तुमने ली। नहीं है मेरे पास एंगेजमेंट रिंग, तुम्हारे पास है? हाँ दिखा दूं। अरे गाइस सच में कसम भने कसम के किन जुड हजार लोग इत्रो जना मान्छेलाई मैले म हिजो दुबई किन गएर त गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेर आइहालेँ म, आफ्नो इक्जाम थियो आज, आज मेरो इक्जाम थियो, तुमी आज आइ गए। थ्याङ्क यू सो मच संस्कार दाई, संस्कार दाई सबसे ज्यादा खुस होंगे। संस्कार दाई मन्ता दिदी हो गए हाम्रो सब लोग, जो 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 दिल से चाहते, जो दिल से मतलब प्यार करते सुरु से लेके अभी तक सब लोग। कुछ नहीं है, बस उसने बाल वाल स्ट्रेट किया है, ये वो किया है, क्या किया है इसने, उस तो आप वो नका भिजब करी तो वो तो आज बिगड़ जाएगी, आज के आज किया है वो, कल किया है ना तुमने। इस तरह चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर दिने होला, यो चैनल में सबभन्दा फास्टेस्ट न्यूज एन्ड अपडेट्स आउँछ।